अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप डैट यू पीपल आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं सबसे पहले आप तमाम व्यूअर्स को ऑनलाइन लर्निंग विद ओवेस यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहता हूँ। और हमारी आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो PMA 148 लॉन्ग कोर्स के ISSB टेस्ट से रिलेटेड है। जनाबे आली, आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इस चीज़ पर कम्प्लीटली तौर पर नज़रसानी करेंगे कि ISSB टेस्ट के अंदर जब एक इनिशियल स्टेज को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट ISSB टेस्ट के अंदर पहुंचते हैं तो ISSB टेस्ट जो कि 5 डेज़ का होता है, इन 5 डेज़ के अंदर रूटीन क्या होती है और किस दिन पर कौन सा टेस्ट लिया जाता है, आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है इंशाल्लाहुल अज़ीज़। तो हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। तो चलें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, आप में से वो लोग जो कि ISSB के कैंडिडेट होंगे और उनको जब ISSB का कॉल लेटर आएगा तो उस कॉल लेटर के अंदर आपको एक टाइम दिया गया होगा कि आपने उस टाइम पर रिपोर्ट करनी है अपने रिस्पेक्टिव सेंटर के अंदर। जब आप उस टाइम पर रिपोर्ट करेंगे तो उस टाइम पर सबसे पहले आपके बैग्स वगैरह चेक किए जाएंगे और आपके बैग्स वगैरह की चेकिंग के बाद ऑलमोस्ट कोई हाफ़ आवर या फिर कोई 45 मिनट्स के बाद आपको आपके रूम्स के अंदर भेज दिया जाएगा। आपको सबसे पहले रूम्स अलॉट कर दिए जाते हैं जहाँ पर आप अपना बैग वगैरह रख कर जौहर हॉल के लिए रिपोर्ट करते हैं। अब आप जौहर हॉल पर जब रिपोर्ट करते हैं तो तकरीबन कोई 10 से 11 बजे तक का टाइम होता है। सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर आपको तकरीबन वो वाला फॉर्म जो मिलेगा वो इस टाइप का होगा जैसा कि आप इनिशियल टेस्ट से पहले या इनिशियल टेस्ट के अंदर जब आप देने जाते हैं अपना इनिशियल का इंटरव्यू, तो अपना फ़िज़िकल क्लियर करने के बाद जब आप इंटरव्यू का फॉर्म लेते हैं तो जिस टाइप का वो होता है इसी टाइप का ऑलमोस्ट कोई आपके पास होगा वो वाला फॉर्म। तो उस फॉर्म के अंदर आपने सबसे पहले अपनी हॉबीज़ वगैरह लिखनी होती है, अपने बारे में लिखना होता है, अपने फादर का, अपना फैमिली स्टेटस वगैरह। और इसके बाद फिर आपको एक और फॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर आपको फॉर्म ए उसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आता है। उस फॉर्म ए को आपने फिल करना होता है उन तमाम रिस्पेक्टिव चीज़ों को देखते हुए जो कि फॉर्म के अंदर पूछी जा रही होती हैं। जो साइक होते हैं वो आपको तमाम चीज़ें समझाएंगे कि आपने फॉर्म को किस तरीके से फ़िल करना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है और किस जगह पर किस चीज़ का क्या आंसर लिखना है। तो ये वाली तमाम चीज़ें साइक की ज़िम्मेदारी होती हैं जो कि जौहर हॉल के अंदर आपके सामने खड़े होते हैं। तो इस चीज़ के हवाले से आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपको एक अच्छे तरीके से बेहतर गाइड करते हैं। जब आपका फॉर्म ए कम्प्लीट हो जाता है तो इसके बाद साइक आपसे फॉर्म ए कलेक्ट करवा लेते हैं और अब इसके बाद फॉर्म बी दिया जाता है आपको। फॉर्म बी कम्प्लीटली साइक का फॉर्म होता है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं आपके बारे में, आपकी फैमिली स्टेटस वगैरह और बाकी इस टाइप की चीज़ें जो कि आपकी सिलेक्शन के ऊपर बेस करती हैं। और उसके साथ साथ आपको फॉर्म बी के अंदर जो कि साइक का फॉर्म होता है उसके अंदर 2 किस्म के टेस्ट भी देने होते हैं। एक ऐसे आता है आपको लिखने के लिए दिया जाता है जो कि कम्प्लीटली आपके पास साइक टेस्ट से रिलेटेड होता है और आपने उसके अंदर अपनी साइकी को शो करवाना होता है पॉजिटिव वे के अंदर। इट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल इंग्लिश ऐसे। आपको साइक फिर एक टॉपिक देंगे, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा लिखना होगा 2 मिनट के अंदर। जो मुझे टॉपिक आया था मेरे ISSB के अंदर, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। हमें जो टॉपिक आया था हमारे बैच के अंदर वो ये था PMA 147 लॉन्ग कोर्स मलीर कराची का, कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी। या तो आप उर्दू में लिख सकते थे या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते थे कि द वर्स्ट एवर फेलियर ऑफ माय लाइफ। और इस जगह से आपकी रिकमेंडेशन या नॉट रिकमेंडेशन की स्टार्टिंग हो जाती है इस जगह से। फॉर्म भी जो कि बहुत बड़ा फॉर्म होता है, साइक उसको कम्प्लीटली तौर पे ख़ुद फिल करवाते हैं। फॉर्म भी फिल होने के बाद ऑलमोस्ट कोई आपके पास असर से मगरिब की नमाज के दरमियान का टाइम होता है और फिर इस टाइम के अंदर आपको छोड़ दिया जाता है जौहर हॉल से, आप जो है वापस आ जाते हैं और आप अपने अलॉट किए गए रूम्स के अंदर चले जाते हैं जहां पर आप अपने रूममेट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इस तरीके से आपका डे 1 मुकम्मल कंप्लीट हो जाता है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है जब आप सुबह उठते हैं, तो फिर आपके जो वहाँ पर चाचा होते हैं जो कि कपड़े वगैरह आपके प्रेस कर कर देते हैं, और बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए चाचा वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो आपको सुबह ही सुबह उठा देंगे। और इसके बाद फिर आपने अपने ब्रेकफास्ट के बाद नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद आपने जौहर हॉल रिपोर्ट करना होता है फिक्स 8 o'clock पे। जब आप 8 बजे जौहर हॉल में रिपोर्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद आपका टेस्ट 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर जो पहला टेस्ट आपके पास आता है वो आपके पास होता है सेंटेंस कम्प्लीशन का। सेंटेंस कम्प्लीशन के 26 जो है वर्ड्स आते हैं आपके पास, कि आपके पास 26 सेंटेंसेस आते हैं और आपको टोटल टाइम 6 मिनट्स का दिया जाता है। एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन आपके पास 12 से 11 सेकंड होते हैं एक सेंटेंस को लिखने के लिए। और इस तरीके से सेट नंबर 1 आपका उर्दू सेंटेंस कम्प्लीशन का मुकम्मल हो जाता है, और उसके बाद उसी के साथ आपको सेट नंबर 2 दिया जाता है उर्दू सेंटेंस कम्प्लीशन का। जब आप वो मुकम्मल कर लेते हैं उसके लिए भी 6 मिनट्स का ही टाइम दिया जाता है। इसके बाद फिर आपके पास इंग्लिश के सेंटेंस कम्प्लीशन के 2 सेट्स आते हैं, पहले पहला सेट और उसके बाद दूसरा सेट, बिल्कुल सेम एज डेट उर्दू सेंटेंस कम्प्लीशन सेट नंबर 1 एंड सेट नंबर 2। सेंटेंस कम्प्लीशन मुकम्मल होने के बाद आपको साई के एक डोजियर देते हैं। उस डोजियर के अंदर आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने उस डोजियर के अंदर सबसे पहले वैट करना होता है, वैट के वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट। वैट का टेस्ट आपके पास होता है सबसे पहले साइक के डोजियर के अंदर। वैट यानी कि वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट के मुकम्मल होने के बाद आपको पॉइंटर स्टोरी राइटिंग जो कि जौहर हॉल में लगी बिग स्क्रीन के ऊपर तस्वीर दिखाई जाती है, आपने स्टोरी लिखनी होती है पॉइंटर स्टोरी राइटिंग। और इसके बाद पॉइंटर स्टोरी के बाद पिक्चर स्टोरी राइटिंग आपके पास आती है जो कि नेक्स्ट टेस्ट होता है साइक का। वो मुकम्मल होने के बाद आपको फिर अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखने होते हैं। और इससे भी पहले अब जो नया टेस्ट आया है SRT यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वो 5 आपके पास आएंगी सिचुएशंस, और आपने उन 5 सिचुएशंस के जो अप्रोप्रिएट आंसर होंगे, जो बेहतरीन आंसर होंगे आपके लिए एज रिस्पेक्टिव टू यू एंड फॉर योर सेल्फ, तो आपने वो वाले जवाब लिखने होंगे। जो साइक का डोजियर था आपके पास जिसके अंदर ये पिछले तमाम टेस्ट मैंने आपको बताए, अब आखिरी टेस्ट आपके पास आएगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का। आपको कहा जाएगा कि आप अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखें, आपने उसी डोजियर के अंदर अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को राइट करना होगा। अब वो मुकम्मल करने के बाद आपके साइक टेस्ट का काम ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ ही शुरू के अंदर जब आप जौहर हॉल में रिपोर्ट करते हैं तो सेंटेंस कम्प्लीशन टेस्ट से भी पहले आपका मैट होता है जिसको मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। और जो बेसिक पर्पस होता है इस टेस्ट को लेने का वो ये होता है कि कैंडिडेट की सलाहियत देखनी होती है कि हाउ मच द पर्सन इज़ इंटेलिजेंट। और इसके बाद ही आपका जो डे नंबर 2 था यानी कि साइक टेस्ट का, वो 100% मुकम्मल हो जाएगा। अब दोबारा सेम वही प्रोसीजर होगा, आप दोबारा अपने रूम्स वगैरह के अंदर चले जाएंगे, आपका डे 2 मुकम्मल हो जाएगा, बकाया टाइम आपका अपना होगा, आप अपने रूममेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप जब सुबह डे 3 को उठेंगे तो फिर आपने अपने जौहर हॉल में रिपोर्ट करना है फिक्स 8 o'clock पे, और तब तमाम GTOs आएंगे और रैंडमली आपकी चेस्ट नंबर्स आपको जो है कॉल करेंगे और कॉल करके आपको अपने साथ ले जाएंगे। और उस टाइम पे GTO आपको एक अलग चेस्ट नंबर्स वगैरह देंगे, और वो जो आपको चेस्ट नंबर्स वगैरह उस टाइम पर दिए जाएंगे ये उससे डिफरेंट होंगे जो कि आपको फॉर्म फिलिंग वाले दिन दिए गए थे। और ये GTO वाले तमाम जो चेस्ट नंबर्स हैं ये सिर्फ टेम्पोरेरी बेसिस पर होंगे, इनका सिर्फ 1 से 2 दिन का काम होगा। आपको GTO किसी एक जगह पर ले जाएंगे, आपका जो ग्रुप होगा वो 11 से 12 लड़कों के ऊपर मुश्तमिल होगा। इसके बाद सबसे पहले GTO आप तमाम से आपका इंट्रोडक्शन लेंगे। आपका इंट्रोडक्शन लेने के बाद सबसे पहले आपका जो टेस्ट लिया जाएगा वो होगा ग्रुप डिस्कशन का। ग्रुप डिस्कशन का टेस्ट नंबर 1 होगा GTO टेस्ट के अंदर। और उसके बाद फिर आपको लेक्चरेट देना होगा। लेक्चरेट के अंदर आपको लाजमन इंग्लिश के अंदर कम्प्लीट लेक्चरेट देना पड़ेगा। मे बी पॉसिबल कि अगर आपके GTO आपके साथ कोऑपरेट कर लें, अगर आपका लक ज़्यादा अच्छा चल जाए तो फिर हो सकता है कि आप उर्दू के अंदर भी लेक्चरेट दे दें। और ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको एक जो टॉपिक होगा वो उर्दू के अंदर दिया जाएगा, जो दूसरा टॉपिक होगा वो कम्प्लीटली इंग्लिश के अंदर आपको दिया जाएगा, उसके अंदर आपको उर्दू बोलने की इजाज़त नहीं होगी। इसके बाद ये कि लेक्चरेट के अंदर आपके GTO अगर कोऑपरेट करेंगे तो फिर आपको
वो उर्दू में भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस होता है कि इंग्लिश में आपको लेक्चरेट कंप्लीट देना पड़ता है। दो टॉपिक्स दिए जाते हैं, उनमें से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। 2 मिनट सोचने का टाइम होता है। इस 2 मिनट के टाइम के अंदर आप अपने पॉइंट्स को अपने जहन में लेकर आते हैं और इंग्लिश के अंदर उस पर बात करते हैं। लेक्चरेट का टॉपिक मुकम्मल होने के बाद आपको मॉडल प्लानिंग करवाई जाती है। मॉडल प्लानिंग के अंदर आप लोग सबसे पहले आपस में डिस्कस करते हैं, देखते हैं, आपको जीटीओ कुछ भी समझा देंगे कि ये चीज़ ऐसे, अब आपको प्लान बनाना है। 10 to 15 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है, उसके अंदर आपने मॉडल प्लानिंग करनी होती है। अब ये मुकम्मल होने के बाद फिर अब आपका आ जाता है फिज़िकल और कोऑपरेशन वाला टेस्ट, जिसमें ये क्वालिटी आपकी देखी जा रही होती है, जो कि आपके पास जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के नाम से कहलाता है टेस्ट। तो अब इसके अंदर आपने जो फट्टे वगैरह आपको दिए जाते हैं, आपने उनको सेट करना होता है और आपने उसके अंदर कोऑपरेशन शो करनी होती है। ये वाली क्वालिटीज़ आपके अंदर PGT यानी कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर देखी जाती हैं। ये करने के बाद आपका जो GTO का जो दिन होता है वो मुकम्मल हो जाता है GTO की तरफ से। अब इसके अलावा अगर कोई साइक के इंटरव्यूज़ होते हैं कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, तो जस्ट वो कंडक्ट किए जाएंगे इसके बाद, और यूँ आपका day number 3 भी 100% मुकम्मल हो जाता है और तकरीबन आप 3 से 4 बजे तक day number 3 में फारिग हो जाते हैं। अब day number 4 के अंदर आप लोग 7 बजे के टाइम पे जौहर हॉल के अंदर रिपोर्ट करते हैं और आप अपनी जो ड्रेसिंग होती है उसको फॉर्मल ड्रेसिंग के तौर पर आप ड्रेसिंग करेंगे और आपका सबसे पहले होगा डिप्टी का इंटरव्यू। और डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के बाद जो जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देते जाएंगे वो अपना GTO का जो सूट है वो पहनकर बाहर आते जाएंगे। इसके बाद दोबारा वो लोग अपने GTO के पास जाएंगे और उनके GTO सबसे पहले उनसे ऑब्स्टेकल्स परफॉर्म करवाएंगे और ऑब्स्टेकल्स परफॉर्म करवाने के बाद वो लास्ट के अंदर कमांड टास्क परफॉर्म करेंगे और कमांड टास्क परफॉर्म करने के बाद आपने फिर एक दूसरे को वोटिंग करनी है कि कौन से आपकी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कौन से नंबर पर थी और किसकी परफॉर्मेंस हाई थी, किसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो थी, कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था और कौन थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा था। ये तमाम चीज़ें आपने लिखनी है। ये चीज़ें लिखने के बाद इस तरीके से आपका day number 4 भी 100% मुकम्मल हो जाएगा। और day number 4 के अंदर इस वाले लास्ट टास्क के बाद आपका जो ISSB का सफ़र है वो इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। लेकिन आपने day number 4 के दिन वापस नहीं जाना, आपने वो वाला दिन अपने रूममेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ स्पेंड करना है। और day number 5 को सुबह उसी तरीके से आप दोबारा फॉर्मल ड्रेसिंग करके तमाम के तमाम जो कैंडिडेट्स होंगे नीचे मौजूद होंगे, जिनके चेस्ट नंबर्स कॉल किए जाएंगे, उनके री इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे। और इसके साथ ही कुछ जो कैंडिडेट्स होंगे उनके चेस्ट नंबर्स कॉल करके उनको कहा जाएगा कि वो GTO की ड्रेसिंग कर आ जाएं, क्योंकि या तो उनका कमांड टास्क होगा या फिर उनके जो ऑब्स्टेकल्स होंगे वो री ऑब्स्टेकल्स करवाए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो day 5 का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। इस तरीके से day number 5 भी आपका 100% मुकम्मल हो जाएगा। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने ISSB की कम्प्लीटली तौर पर 5 डेज़ की जो रूटीन थी उसको आप तमाम न्यू कैंडिडेट्स के लिए शेयर किया और आई होप सो कि आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाहुल्लाज़ीज़ बहुत जल्द किसी और ऐसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें और उसके साथ साथ हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, फ़ी अमानिल्लाह एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।